हेलो ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी भारती। सो या आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल सा मराठी कोली मेकअप लुक। और इसे क्रिएट करना बहुत बहुत ही इजी है और जिस तरह से पूरा बन के आया मुझे बहुत ही पसंद आया। सो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे एक बार लॉकडाउन के टाइम में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्राइमर लिया है अपना, वही पुराना लैक्मे का प्राइमर जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यह उसे मैंने अपने आईज पे और पोर एरिया में जो है वो फिल कर लिया है। साथ में मैंने लिया है, पहले आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ तो बेस के लिए मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से मैं सेट कर लूँगी एंड इसे मैं इसे ब्लेंड कर लिया है पहले मैंने, फिर मैं उसे कोई भी आप कॉम्पैक्ट लीजिएगा अपना, उसे सेट कर लीजिएगा। अब मैंने लिया है मेबेलिन का न्यूड्स पैलेट, इसमें से लाइट जो ब्राउन शेड है मैंने वो लिया है, उसे अपने क्रीज एरिया में लगाया है। और साथ में लिया ये वेट एंड वाइल्ड पैलेट में से कैमल कलर, थोड़ा रस्टी ऑरेंज सा कलर, इसे भी अपने क्रीज एरिया में ही ब्लेंड किया है मैंने, हल्के हाथ से किया है ताकि एक लाइन मतलब जो शेडो है ना मेरी क्रीज का, एक वो ट्रांजिशन शेड बन जाए। सो लाइट लेट करते करते अब बारी है गोल्ड कलर की। सेम मैंने न्यूड्स पैलेट लिया है मेबेलिन का, ये फ्लैट ब्रश लिया है, कोई कट क्रीज नहीं किया, बस इसी मैंने गोल्डन शेड को ही मैंने इस तरह से अप्लाई किया कि कट क्रीज का इफेक्ट आए। सो इनर कॉर्नर से लेके पूरे मिड तक जो है मैं इसे इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो है स्प्रेड कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो अभी मैंने लिया हिलरी रोडा का ये पैलेट, जिसमें से मैंने ये ब्लू कलर लिया जो कि मेरी साड़ी के साथ एकदम मैचिंग है। और देखो कितना पिगमेंटेड है, ये सिर्फ 200 रुपये की पैलेट है, 200 रुपीज़ की, और कितने प्यारे शेड्स इसमें आप खुद देख सकते हैं। सो देखिए इसे मैंने अब ये आउटर कॉर्नर से लेके थोड़े थोड़े क्रीज में फैला लिया है और अब मैंने ये क्लीन ब्रश लिया है और इसे मैं थोड़ा क्रीज एरिया पे ही जो है ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस जो है वो ना रहे। सो यह बहुत ही ईजी था, बस इतना ही शेडोज का कम था, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं था इस मेकअप लुक में। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अभी ब्लेंडिंग के बाद क्या था, जो शेड है थोड़े लाइट हो गए थे तो फिर से मैंने, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने टैप टैप करते करते दोनों शेड्स को जो है अगेन एक रीटच दे दिया ताकि थोड़े डार्क हो जाए। अब जो भी फॉल आउट था तो मैंने क्लीन कर लिया है, इसी वजह से मैंने आई मेकअप सबसे पहले स्टार्ट किया था ताकि बाकी का जो मेरा मेकअप है वो ख़राब ना हो। सो फाउंडेशन मैंने यहाँ पे लिया लॉरियल इनफैलिबल का, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल लाइट वेट है। तो थोड़ा सा ही आप देखा आपने कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी, एक ड्रॉप था मैक्सिमम। सो उसे मैंने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड देन अगेन मैंने स्विस ब्यूटी का लाइट मोइन शेड का अपना कंसीलर लिया, बहुत ही प्यारा कंसीलर है, अगेन बहुत बहुत अफोर्डेबल रेंज का है ये। सो काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है ब्रश की हेल्प से, स्पॉन्ज की हेल्प से। सो आइज़ के नीचे मैं स्पॉन्ज की हेल्प से करती हूँ ताकि ये पूरा सेट हो जाए। सो अब मेरे जितना कंसीलर लगाया उसे मैंने मैक अपना स्टूडियो फिक्स के साथ सेट किया है ताकि वो क्रीज ना हो, उसमें लाइंस ना पड़ें। सो इस तरह से सेट करने के बाद अब बैक टू द आईज़, तो आईब्राउज को कॉम किया है अब इसे ब्लैक कलर के शेडो के साथ और कुछ ये ब्राउन और ग्रे मिक्स किया है मैंने, तो थोड़ा सा लाइट मैं चाहती थी, नेचुरल सा लुक आए इसलिए मैंने ब्राउन और ग्रे मिक्स किया और इस तरह से यू कैन से एकदम डिफाइन करती है आपकी आईब्रो आपके लुक को, देखा। तो चलिए अब बैक टू द अगेन आई मेकअप, मेबेलिन जेल लाइनर लिया है और एक विंग लाइनर जो है मैंने वो ड्रॉ कर लिया है। सो नीचे भी लैश लाइन पे मैंने आउटर में लगाया है, इनर तक मैं नहीं लेके गई हूँ, सिर्फ मिडल तक लेके गई हूँ। सो आउटर से मिडल लगाने के बाद इनर की तरफ मैं लगा रही हूँ बहुत ही प्यारी सी आई पेंसिल फ्रॉम द ब्रांड अगेन स्विस, नो इट्स फ्रॉम स्टेक वर्क, या इट्स अगेन वेरी अफोर्डेबल। सो देखिए इनर कॉर्नर मैंने लगाई है, कितना बढ़िया इसने मेरे मेकअप को कंप्लीट किया है, मेकअप को एकदम पॉप आउट हो रहा है ब्लू कलर जो कि मेरी साड़ी का कलर है और बहुत ही प्यारा लुक दिया इसने मेरे आईज़ को। नाउ मैंने अपना मस्कारा लगा लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ा ये हाईलाइटर शेड लिया है न्यूड्स पैलेट से जिसे मैं ब्राउ बोन के नीचे लगा रही हूँ ताकि ब्राउ बोन्स जो हैं और अच्छे से डिफाइंड लगे हैं। सो वही मेरा टूटा सा वेट एंड वाइल्ड का मैंने लिया है कॉन्टोर पैलेट कैरेमल टॉफी शेड का, सो उसे मैं हल्का सा अपनी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा डार्क कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत ही नेचुरल रखा है मैंने। सो जॉ लाइन पे थोड़ा नोज के अराउंड सब मैंने कॉन्टोरिंग सेट की है। देन मैंने लिया है अपना शुगर का ब्लश मार्वल, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ, ये शेड है मार्वल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी अगर आपको जानना हो तो। अगेन अब मैंने लिया था अपना ब्लू हेवन का स्प्रे, उसे लगाने के बाद मैं हाइलाइटर कर रही हूँ मेबेलिन का अप्लाई और आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है, हाउ प्रिटी, पूरा मैच कर रहा है ये गोल्डन हाइलाइटर मेरे गोल्डन आई मेकअप लुक के साथ, बहुत ही अच्छे से पॉप आउट हो रहा है,
तो आप ज़रूर अपना स्प्रे लगा लीजिएगा। सो या अभी मैं साड़ी मैंने वेयर की है धोती स्टाइल में एंड मेकअप के साथ विद माय बन विद माय ज्वेलरी आई एम रेडी। सो आपने मेरे पोस्ट को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा प्यार किया है, बहुत सारा प्यार दिया है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।